डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप सबके लिए 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज ऑन इवांस ट्राइज ओ लेवल पे लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ इवान ट्राइज ओ लेवल? राइटर कौन है? इसके राइटर हैं कोलिन डेक्स्टर इज द राइटर। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस? इवांस किस तरह का व्यक्ति था? ही वाज क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक था वो, चोरी करने की उसे आदत थी, और जिस व्यक्ति को चोरी करने की आदत होती है उसे क्लेप्टोमैनियक कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज इवांस कॉल्ड? इवांस को क्या कहा जाता था? इवांस द स्नेक, इवांस द ब्रोकर, इवांस द ब्रेक या इवांस द ग्रेट? उसे इवांस द ब्रेक कहा जाता था। How many times had Ivans escaped from jail? कितनी दफा Ivans कितनी बार जेल से भागता है? तीन बार, three times वो जेल तोड़ के भागता है। मतलब जेल तोड़ के कहने का मतलब ये है कि escape कर जाता है, बच निकलता है अपनी ट्रिक से। Ivans wanted to surprise everybody by, Ivans सभी को सरप्राइज करना चाहता था। कैसे? Singing a song, Dancing, escaping from the jail या telling his secrets? वो जेल से बच निकल के सभी को चौंकाना चाहता था, सरप्राइज करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why was Ivans called Ivans the Brick? Ivans को Ivans the Brick क्यों कहा जाता था? For breaking, तोड़ने के लिए कुछ भी। For escaping jail three times, तीन बार जेल से भागने के लिए। फॉर ब्रेकिंग चेन्स, चेन्स तोड़ने के लिए। फॉर ब्रेकिंग लॉक्स, ताले तोड़ने के लिए। एक्चुअली ही वाज कॉल्ड सो फॉर एस्केपिंग जेल थ्री टाइम्स, तीन बार वो जेल से भागा था, इस वजह से उसे इवांस द ब्रेक कहते हैं। फाइनली द पुलिस गॉट हिम फ्रॉम ए रूम इन ए होटल, नेम द होटल। अंततः उसे एक होटल से कैच किया गया, होटल का नाम बताना है। द गोल्डन लॉयन, द गोल्डन बग, द गोल्डन चेन, द गोल्डन व्यू। एक्चुअली दिस होटल वॉज द गोल्डन लॉयन। कार्टर रिपोर्टेड टू गवर्नर दैट ही हैड लेफ्ट इवांस एट। कार्टर ने गवर्नर को रिपोर्ट किया कि उसने इवांस को एक जगह पे छोड़ा था। आपको जगह का नाम देना, रेड क्लिफ हॉस्पिटल या रेड मिंटो हॉस्पिटल, रेड टेप हॉस्पिटल, रेड हिल हॉस्पिटल। एक्चुअली Carter had left him at Red Cliff Hospital. Ninth question लेके चलते हैं। Where did McCleary tell the superintendent of police to take him to? McCleary superintendent of police को कहता है कि उसे एक जगह पे ले चल, जहां पे वो Ivans को जानता है कि कहां पे गया होगा वो। तो चार प्लेस के ऑप्शन है, Elsway Field, Elsfield Turn, Elsfield Cross या Elsfield Way। Actually, this is right choice, Elsfield Way. Tenth question, who was thought to be the wounded man in the cell when the exam was over? जब एग्जाम खत्म हो गया तो किसको wounded, जो wounded व्यक्ति था उसे क्या समझा जा रहा था कि ये कौन व्यक्ति है? जैक्सन है, इवांस है, द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी है या स्टीफन्स है? आंसर आप जान गए होंगे, ही वाज द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी। 11th क्वेश्चन, हु वाज द मैन इन रियलिटी लेफ्ट वुंडेड इन द सेल व्हेन द एग्जाम वाज ओवर? वास्तव में वह व्यक्ति कौन था जो जख्मी हालत में सेल में रह गया था? जिस सेल में इवांस एग्जाम दे रहा था तो वहां पे एक जख्मी व्यक्ति पाया गया बाद में, वो कौन था? इवांस था, रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी था, स्टीफन्स था या जैक्सन था? ही वाज इवांस, जिसे मैक्लेरी समझ रहे थे वो इवांस था। फ्रॉम हुम डिड द गवर्नर रिसीव हिज फर्स्ट कॉल? गवर्नर ने अपनी पहली कॉल किससे रिसीव की, प्राप्त की? बोर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी, कार्टर, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स या अ न्यूज रिपोर्टर? एक्चुअली ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट कॉल फ्रॉम द बोर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी। क्वेश्चन 13 लेके चलते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द गवर्नर फाइंड द क्लू दैट इवांस वाज स्टेइंग इन ए होटल? किस बात से गवर्नर को क्लू मिला कि इवांस एक होटल में ठहरा हुआ है? कार्टर से कोई क्ल्यू मिला या फ्रॉम द करेक्शन स्लिप, जो करेक्शन स्लिप थी उससे, स्टीफन से या जैक्सन से? एंड द
आंसर इज फ्रॉम द करेक्शन स्लिप. 14th क्वेश्चन, हु वाज एस स्टुअर्ट मैक्लेरी इन रियलिटी. एस स्टुअर्ट मैक्लेरी वास्तविकता में कौन था? अ क्लर्क इन द बोर्ड, बोर्ड में कोई क्लर्क, अ मिनिस्टर एट ए चर्च, इवांस और ए स्पाई. एक्चुअली चर्च में वो एक मिनिस्टर था. मिनिस्टर एक पदवी होती है, जैसे पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं. What work, 15th question, what work was assigned to the Reverend Stuart McCleary? Stuart McCleary को जेल में क्या कार्य सौंपा गया था? Of an invigilator, उसे invigilator का कार्य दिया गया था. Why did Evans request not to take off his hat? Evans Stephens को request करता है कि उसका hat ना उतारा जाए. क्यों? It saved him from cold. यह उसे ठंड से बचाता था. It saved him from bad luck, उसे दुर्भाग्य से बचाता था. His hair were short, उसके बाल छोटे थे, या A and B. Actually, the answer is it saved him from bad luck. Why was the governor not ready to take any risk? 17th question. कि गवर्नर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्यों? He didn't want to disgrace Oxford prison. Oxford prison की वो बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था कि वो फोर्थ टाइम इवांस जेल से छूट के भाग जाए. तो ए ऑप्शन ही सही है. 18th क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इनविजिलेटर. इनविजिलेटर का नाम क्या था? स्टुअर्ट मेफिस्टोफेलिस, स्टुअर्ट मैकडोनल्ड, स्टुअर्ट मैसिव, द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी. डी चॉइस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Who is the senior prison officer in D wing? D wing में senior prison officer कौन था? Jackson, Stephens, Carter, Maxson. Jackson was the senior prison officer in D wing. 20th question. At what time the 2 hour exam for once was scheduled to start? 2 घंटे का जो exam था इवांस का, कितने बजे शुरू होना था? 9:15, 9:20, 9:25. 9:30. तो ये 9:15 पे शुरू होना था. 21st क्वेश्चन, व्हाट वाज ही डूइंग व्हेन स्टीफन्स ब्रॉट इनटू टू स्मॉल स्क्वायर टेबल्स इन द सेल. ही कौन है? यहाँ पे इवान लिख लेते हैं हम. व्हाट वाज इवान्स डूइंग व्हेन स्टीफन्स ब्रॉट इनटू टू स्मॉल स्क्वायर टेबल्स इन द सेल. सेल में दो छोटे चौरस टेबल लेके आया स्टीफन्स, तो इवांस क्या कर रहा था? सो रहा था, स्लीपिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुन रहा था, लेदरिंग हिज फेस, शेविंग करने के लिए अपना चेहरा वो बड़ी तेजी से, बड़े फोर्स के साथ उसमें झाग उठा रहा था. ईटिंग ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट खा रहा था. क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी टेबल्स डिड स्टीफन्स ब्रिंग इन द सेल. कितने टेबल स्टीफन्स सेल में लेके आता है? 2, 3, 4, or 5. A option is the correct one. 2. Question number 23. How many chairs did Stephens bring in the cell? Stephens cell mein kitni chairs leke aate hai? 2, 3, 4, 5. 2. Or 24th question. What was the number of the handkerchiefs? Handkerchief that was lying ready on the bunk. Bunk pe kuch handkerchief ke bare mein hai. Kitne the? 2, 3, 4, 5. दो हैंकरचीफ पड़े थे. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट नेम डिड द इनविजिलेटर साइन नीटली इन द विजिटर्स बुक. विजिटर बुक में इनविजिलेटर ने, जो मैक्लेरी आया था, तो क्या साइन किया? स्टुअर्ट मेफिस्टोफेलिस, स्टुअर्ट मेफिस्टोफेलिस, स्टुअर्ट नील, रेवरेंड एस मैक्लेरी, या नन ऑफ द अबव. एक्चुअली सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, रेवरेंड एस मैक्लेरी. Name the police officer who was in charge of the D wing. D wing ka in charge police officer kaun sa tha? Jackson tha, Stephens, Carter, ya Malcolm tha? Jackson was the in charge of the D wing. 27th question, name the textbook in which Evans was busy reading. Jis textbook ko Evans padh raha tha, to uska naam bataiye. Elementary German grammar, elementary French grammar, elementary English grammar, elementary American grammar. Actually it was elementary German grammar, aur wo German grammar mein hi exam de raha tha. ओ लेवल था जिसको पास करना था. 28th क्वेश्चन इज, नेम द होम एड्रेस ऑफ द रेवरेंड एस मैक्लेरी. एस मैक्लेरी का होम एड्रेस आपको सिलेक्ट करना चार ऑप्शन में से. बैचलर फ्लैट बोर्ड स्ट्रीट, बैचलर फ्लैट बोर्ड
ब्रेड स्ट्रीट, बैचलर फ्लैट बेल स्ट्रीट, बैचलर फ्लैट बिल स्ट्रीट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बैचलर फ्लैट बोर्ड स्ट्रीट। 29th क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डिड द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी लीव हिज फ्लैट। स्टुअर्ट मैक्लेरी ने किस समय फ्लैट छोड़ा, एट 45 एग्जाम के लिए, एट 8:45, एट 8:44, एट 8:43, एट 8:24। एक्चुअली ही लेफ्ट द फ्लैट एट 8:45 AM। एट व्हाट टाइम डिड द गवर्नर स्विच ऑन, किस समय गवर्नर ने स्विच ऑन किया, टेलीफोन का जो रिसीवर था वो ऑन किस समय किया उसने गवर्नर ने, 9:11, 9:12, 9:13, at 9:10 AM, this is the correct answer. 31st question is, what was the duration of the Evans exam? Evans ke exam ki duration kitni thi, 2 ghante, 3 ghante, 4 ya 5? 2 hours is the correct option. 32nd question is, what was the thing that McCleary had in his suitcase and it was puzzling Jackson? McCleary ke suitcase mein kuch tha jo Jackson ko puzzle kar raha tha, wo kya thi? A smallish semi-inflated rubber ring, a flat square inflated rubber ring, a rectangular inflated rubber ring, an inflated ball. Actually, it was a smallish semi-inflated rubber ring. एक छोटी सी रबर रिंग थी जो जिसमें हवा भरी हुई थी, एक्चुअली उसे पाइल्स की बीमारी थी तो इस रबर रिंग को वो अपनी कुर्सी पर रखता था और बैठता था। व्हाट कोड ऑफ द क्वेश्चन पेपर डिड मैक्लेरी टेल इवांस टू राइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर। इवांस को मैक्लेरी ने एक कोड लिखने को कहा कि लेफ्ट साइड पे लिखिए, आपको बताना है 02-2, 021-1, 021-3, 022-4. Actually, B option is the correct one. 34th question, what was Evans' index number as an examinee? Evans ka examinee ke room mein, candidate ke room mein, kya index number tha? 313 uska correct index number tha. What number of Ivan's examination center allotted? Ivan का जो examination center था उसको क्या code दिया गया था? Actually, it was given 271A. 36th question, what demand to the governor was made from the magistrate court? Magistrate court से governor को एक telephone आया था, तो क्या demand की थी magistrate court से? Answer is for a prison van and a couple of prison officers. Prison van मंगवाई थी और कम से कम दो prison officers बुलवाए थे उन्होंने। What was the color of the blanket that was wrapped around Ivan's shoulder? Ivan ने अपने कंधों पे एक blanket रखा हुआ था, उसका रंग बताना। It was of grey color. ये grey color का कंबल था। Who accompanied McCleary to the main gate? McCleary को main gate तक कौन छोड़ने गया? जैक्सन, स्टीफन्स, कार्टर, गवर्नर। एक्चुअली स्टीफन्स वाज पुलिस ऑफिसर हु वेंट विद मैक्लेरी। 40th क्वेश्चन, एट 11:22 AM व्हाट डिड द गवर्नर इंस्ट्रक्ट स्टीफन्स टू डू। 11:22 पे स्टीफन्स को गवर्नर का फोन आता है, तो वो क्या कहता है उसे करने के लिए? टू अकंपनी मैक्लेरी टू द प्रिजन गेट। प्रिजन गेट तक मैक्लेरी को अकंपनी करना है, उसके साथ जाना। टू मेक श्योर द डोर वाज लॉक टू इवांस। और ये ध्यान रखना है कि इवांस जिस सेल में है उसका डोर अच्छी तरह से बंद हो। या टू टेल इवांस टू स्टॉप राइटिंग। इवांस को लिखने के लिए मना करने के लिए। एक्चुअली फर्स्ट टू ऑप्शंस आर करेक्ट वन, ये ए एंड बी आर करेक्ट वन। पहले दो बातें सही हैं। 41st क्वेश्चन, व्हेन स्टीफन्स वाज एस्कॉर्टिंग मैक्लेरी टू द प्रिजन गेट, व्हाट डिड स्टीफन्स नोटिस अबाउट हिम। जब स्टीफन्स मैक्लेरी को प्रिजन गेट तक छोड़ने जा रहा था, तो स्टीफन्स ने मैक्लेरी के बारे में कुछ बातें नोट की, वो क्या थी? मैक्लेरी हैड सडनली ग्रोन थिनर इन हिज ब्लैंकेट। मैक्लेरी अचानक ही अपने ब्लैंकेट में थोड़ा पतला हो गया था। मैक्लेरीज स्कॉटिश एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर। और मैक्लेरी का जो एक्सेंट था वो पहले से थोड़ा खुल गया था। मैक्लेरी वाज समवट पजल्ड। तो यहाँ पे ग्रोन थिनर इन हिज ब्लैंकेट नहीं है, ये ओवरकोट पहना हुआ था उसमें थिनर सा लग रहा था। तो दो ऑप्शन सही है, ए एंड बी। 42nd क्वेश्चन,
व्हाट डिड स्टीफन नोटिस अबाउट मैक्लेरीज ब्लैक ओवरकोट? जो ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था उसकी खास बात क्या थी? इट वॉज टू शॉर्ट, इट वॉज टू लॉन्ग, इट वॉज टॉर्न एट सेवरल प्लेसेस, इट वॉज मेड ऑफ चीफ।